राधा स्वामी। विश्वास सुनने से, सुनना मालिक के वचन से, और वचन मालिक की दात से प्राप्त होता है। परमार्थ की समस्त कार्रवाई अंतर से संबंधित होती है, तो जीव पहले सुनकर, फिर सोच विचार कर और तब व्यवहार में अपना कर परमार्थ के धरातल पर कदम रखता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऊपरी और बाहरी यानी व्यवहारिक तौर से जीव की करनी चाहे कितनी ही शुद्ध और परमार्थी क्यों ना मालूम दे, वह निष्फल तो नहीं जाएगी, पर ऐसी करनी से वह परमार्थ ही लाभ जो कि संतों ने बताया है हरगिज प्राप्त ना होगा। सतयुग में जिनकी भी हिरण गर्भ यानी प्रणव पद ओंकार तक पहुंच हुई, वह अंतर अभ्यास से ही हुई, पर उन्हें भी समय के अनुसार वहां से लौटकर आना ही पड़ा। ओंकार पद का आनंद भी खालिस और अनंत नहीं है, पर यह संतों का मत है। दुनियावी हर मजहब का अंत तो प्रणव पद पर ही हो जाता है, जबकि संतों का मार्ग वहां से शुरू होता है। संत मत के अनुसार जो भी कार्रवाई तन व मन से बिना सूरत की दखल के की जाएगी, वह सब ऊपरी तौर पर की गई बाहरी और संसारी ही है। यह संसार काजल की कोठरी के समान है। जीव की आँख में जो काला बंद होता है वही काजल है, और जो पुतली है वही कोठरी है। अब जब इसके परे जाए तब ही इस कोठरी से निकल सकता है। जैसे सूरज की किरणों से प्रकाश के कण आ रहे हैं, वैसे ही अंधेरे के कण इस काजल की कोठरी से निकल रहे हैं। यदि संत महात्मा भी इस घाट पर ठहरे तो उन पर भी ये अंधेरा के कण अपना प्रभाव डाले बिना ना रहेंगे। उद्धव जी कृष्ण महाराज के प्रति अति प्रेम व सखा भाव रखते थे, हर वक्त का साथ था। तो उद्धव जी ने जब कृष्ण जी से उनके आखिरी वक्त में कृष्ण जी से अपने साथ अपने धाम ले चलने के लिए कहा, तब कृष्ण जी ने यही कहा कि पहले योग अभ्यास करो। कहने का मतलब यह है कि हर युग में अपने वक्त के अनुसार ही आंतरिक कार्रवाई करने से काम बना है और बनेगा। पिछले युगों की कार्रवाइयाँ अगले युगों में जीव से ना बन पड़ी हैं और ना बन पड़ेंगी। संतों की परमार्थी कार्रवाई की शुरुआत छठे चक्र यानी तीसरे तिल से होती है। मन और प्राण के बंधन वहां पहुंचकर ढीले पड़ जाते हैं। सुरत ही मालिक की अंश है, यही मालिक के दरबार में पहुंच सकती है। मन और माया की वहां कोई रसाई नहीं।
अंतरी कमाई के लिए यदि भाग्य यानी पूर्व जन्मों के संकलित संस्कार का जागना जरूरी है, बिना इसके जागे अंतर यात्रा शुरू नहीं हो सकती। यही आदि कर्म अंतर यात्रा के लिए एक प्रेरक के समान कार्य करते हैं। संत मत में कोरे बैराग का कोई महत्व नहीं, बैराग अनुराग सहित होना चाहिए। मालिक के दरबार में सच्चे अनुराग की ही परख होती है। सच्चे अनुराग से ही विरह पैदा होती है। पर यदि कोई यह सोचे कि सिर्फ विरह से ही उसका काम बन जाएगा तो यह गलत है। यदि विरही को वक्त रहते संत साध का साथ ना मिला तो यह विरह की बेल सूख जाती है। भाग से जो संत साध का संग और सत्संग मिल जाए तो वे इस घाट की विरह को सुखा कर ऊंचे घाट की विरह को जगा देते हैं और फिर उससे ऊंचे घाट की। इस तरह एक दिन ध्रुपद में भी पहुंचा देते हैं। नाम प्रदान करते वक्त सद्गुरु जो फरमाते हैं वह व्यथा नहीं है। वे अपनी दात कभी वापस नहीं लेते। वे यही दात बख्शते ही तो आए हैं। उनका हुक्म इस धरा पर टल नहीं सकता, वह तो होकर ही रहेगा। यानी एक जन्म में सूरत ना पक सकी तो अगले जन्म में पकेगी, पर पकेगी जरूर। जिसने सद्गुरु पूरे की और सद्गुरु पूरे ने जिसकी उंगली एक बार थाम ली उसे तो वे सत्य देश पहुंचा कर ही रहेंगे। यही दयाल की निज दात है जिसे सद्गुरु पूरे के रूप में जीव भाग से पाता है। राधा स्वामी।